अ फैमिली यूजेस 9 किलोवाट ऑफ पावर, ठीक है, खत्म हो जाता है. फिर डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर. इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच लार्ज एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट. देखो, हमें सप्लाई चाहिए, आई नीड अ सप्लाई ऑफ 8 किलोवाट्स, है ना. पर प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी हम बनाते हैं उसका सिर्फ 20% ही हम ले सकते हैं. तो जितना हम बनाना चाहिए ओवरऑल उसका 20% 8 किलोवाट है. तो पहले देख लो बनाना कितना है. सो लेट पी बी द पावर टू बी डेवलप्ड. सो उसका उसका हमें 20%, 20% ऑफ पी इज 8. सो 20% क्या होता है, 1/5 ऑफ पी इज 8. सो एक्चुअली पी कितना चाहिए हमें, 40. तो हमें 40 किलोवाट बनाना पड़ेगा तब जाके हमें 8 मिल पाएगा. अब हमें क्या करना है, इसमें एरिया निकालना है. हमें कितने इंटेंसिटी दे रखा है, इतना. ध्यान रखें पावर वॉट पर मीटर स्क्वायर मतलब होता है पावर अपॉन एरिया, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है. 200 दे रखी है इंटेंसिटी और एरिया निकालना है. तो व्हाट इज द पावर वी नीड, 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द सोलर एनर्जी आई एम रिसीविंग. मुझे 40 किलोवाट चाहिए. तो लेट्स फाइंड आउट, पावर इज 40, यहाँ फॉर्मूले में रखो जितनी हमें चाहिए, अपॉन एरिया इज 200 किलोवाट है. पावर किलोवाट में है और ये 200 वॉट में है, तो वी नीड टू चेंज इट इन टू वॉट, 40,000, ठीक है, अपॉन एरिया इज इक्वल टू 200. तो दोनों एक ही एरिया वो उसके हो गए हैं यूनिट के. सो एरिया विल बिकम 200 मीटर स्क्वेयर एंड दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन.